हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएसएस 40। ओके गाइस, आज हम देखने वाले साइड बर्न हेयर स्टाइल, जिसमें आपका जो फ्रंट है वो रेशी इनोवेशन रहेगा, जिसके बहुत ज्यादा डिमांड आप लोग कर रहे थे कि वो फ्रंट आपका बनेगा कैसे। तो आज हम उस फ्रंट को देखने वाले हैं और साथ ही साथ बैक में आज हम फोल्ड अप टेक्निक के साथ में जो बर्न है उसको देखेंगे। तो हम टोटल आज जो इन दोनों ही टेक्निक के साथ में आपका जो है साइड बर्न हेयर स्टाइल देखने वाले हैं। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। तो ये है आपके एक मॉडल, हमने इसमें पहले से कुछ सेक्शनिंग डिवाइड कर रखी है ताकि आपके लिए इजी रहे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले आपको ऐसे एक फिंगर फ्रंट से ऐसे रेडियल पार्टिंग डायवर्ट कर लेनी है दोनों साइड की तरफ में आपके। देन हमने यहाँ पे बैक सी, जो आपको मैंने पफ के बताए थे, वो एवरेजन हमने यहाँ पे दो फिंगर लिए हुए हैं, बैक सी दो फिंगर हमने लिए हुए हैं, इसको जस्ट हमने आगे सेपरेट कर लिया। देन यहाँ साइड में आए, यहाँ पे हमने ऐसे डायगोनल सेक्शन छोड़ रखा है, ये वाला दिख रहा होगा। रेस्ट ऑफ हेयर को हमने पोनी कर लिया है यहाँ पे, कहाँ पे आते हुए शोल्डर के जस्ट इस पॉइंट पे नीचे डाउनवर्ड आते हुए आगे की तरफ ऐसे, ये बीच में नहीं है आप देख सकते हैं, ये आगे आते हुए लो पॉइंट पे, और ये सिंपल रबर बैंड से है, इसमें कोई बॉब पिन नहीं है और साइड के सेक्शन उधर लॉक है। नाउ अब स्टार्ट कर देते हैं, जो हम फ्रंट बनाने वाले हैं आज वो आपका 4 to 6 फिंगर रहता है। ये आपको पता होगा कि आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है 4 to 6 फिंगर। तो अब जस्ट सेक्शन को ऐसे लेंगे, फिर मुख सकते तो अपने के लिए फटाए, जस्ट आप इधर आए, 4 फिंगर आपने इधर डाइवर्ट करा ऐसे, ये 4 फिंगर आपने डिसेंट डाइवर्ट करा, ये आपके ईयर के जस्ट टॉप पॉइंट पर, सेम आपने इसको यहीं पे छोड़ दिया ऐसे। सेम आप उधर गए, उधर जस्ट उसी सेक्शन के सामने से हमने ठीक फ्रंट वेरिएशन लिया, सेम 4 फिंगर का ऐसे। नाउ ये साइड पार्टिंग हेयर स्टाइलिंग है, तो हम जस्ट आए, आपसे हमने साइड पार्टिंग ली, जस्ट उसको इधर डाइवर्ट कर दिया। देख लो आपको साइड पार्टिंग कहां से चाहिए या क्लाइंट के उस पर कहां से सूट कर रहा है, ये सब ऑप्शनल आपको चेक करना पड़ेगा। जस्ट ये हो गए हमारे 4 फिंगर। बट वन मोर थिंग, ये 4 फिंगर है बट ये हमको कैसे चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमको चाहिए डायगोनल। तो हम 4 फिंगर जस्ट हमने ऐसे काउंट करा, यहाँ टेल कॉम रखी ऐसे, और जस्ट ये तिरछा आ रहा है, सी लिटल डायगोनल, कहाँ आ गए हम, ईयर के बैक पॉइंट पे, अगर आपको दिख रहा हो तो जस्ट ईयर के बैक पॉइंट पे, और ये हमारा हेयर की सेक्शन में जाएगा पफ के अंदर, सेम उधर वाला हेयर भी जस्ट। तो इसको हम जस्ट ऐसे क्लिप कर लेंगे और ये सेक्शन हो गया हमारा पूरा, इसको जस्ट यही लीव कर लिए, सेम उधर से भी हम सेक्शन को जस्ट सेपरेट कर लेंगे अपने। ये हमारे इस साइड के हेयर हो गए, जस्ट इसमें हमने क्लिप लगा ली, ये वाले हेयर हमारे किसके हो गए, ये फ्रंट के हेयर है हमारे, तो ये हमारे आगे पफ के अंदर। इन वाले सेक्शन के साथ इन्हें मर्ज कर ले, जो हेयर आपने यहां पे ले रखा है, जस्ट कॉम जस्ट ऐसे इसमें क्लिप लगा लिया आपने। जैसे ही आपका ये सारे सेक्शन पफ के भी आपके इधर डिवाइड हो गए हैं, देन आपने उनको पीछे लॉक कर लिया है। नाउ सबसे पहले आपको यहाँ इस पॉइंट पे जहां आपने ये लगा रखा है रबर बैंड, आपको उस पॉइंट पे आना है, पफ के हेयर को जस्ट ऊपर की तरफ ऐसे लॉक कर लेंगे हम, ये आपके रेस्ट ऑफ हेयर है। यहाँ आपको इतना सा डोनट लेना है, कट पीस है डोनट का, जस्ट इसको ऐसे फोल्ड करना है, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ऐसे। एंड इसको ऐसे बीच में रखना है, इसको देखना है आपको मिरर में कि आपको कितना भार चाहिए साइड से। ना इसको ऐसे बीच में रखेंगे आप, एक यू पिन लेंगे,
जस्ट इनसाइड ऐसे, एक यूपिन ऐसे और जस्ट इनसाइड, एक यूपिन सेम इस बैक पॉइंट से भी यहां से, एक और इनसाइड। सी अभी हमारा से जस्ट टाइट लॉक हो गया है। नाउ जैसे आपका पेज यहाँ पे टाइट हो जाए देन आपको पफकेयर को ओपन करना है। इसमें हम क्राउन पफ जो वी सेक्शन होता है आईब्रो की जस्ट ऐसे एंड पॉइंट पे ऐसे वाले पफ को लेने वाले हैं। सेम उस साइड से मैसेज ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ उस वाले सेक्शन को भी अपने यहीं पे छोड़ दिया। नाउ ये जो आपके पफ के एरिया इनको आपको लेना है। अभी हम इस पे पफ नहीं बना रहे हैं सो हम जस्ट साइड में आए इक्विपमेंट ली और ठीक बेस के ऊपर पफ के सेक्शन को हमने जस्ट ऐसे लॉक कर लिया। ये उसके साइड के एरिया हमने छोड़ रखे हैं। नाउ अब हम फ्रंट पे आ गए। अब सबसे पहले इसमें आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। आगे वाला थोड़ा हैवी हो जाए चलेगा बट पीछे वाला हैवी नहीं होना चाहिए। नाउ ऐसे दो पार्ट में आपने इसे डिवाइड करा। नाउ अब इसमें आपको एक वी सेक्शन लेना है। जस्ट आप ऐसे है टू और थ्री फिंगर जस्ट एक सेक्शन ऐसे और जस्ट उस साइड भी वैसे अपने पफ के हेयर को आप लॉक रखे उन्हें में मिक्स ना करें। सी ये आपका एक वी सेक्शन हो गया। यहां पे इसको जस्ट आगे की तरफ सेपरेट कर दें। आपके जो रेस्ट ऑफ हेयर है इनमें आप क्लिप लगा दें अन्यथा ये मिक्स हो जाएंगे आपके। नाउ ये वाले हेयर आपके नाउ इनको भी जस्ट आपने ऐसी कर सिक्योर ऊपर आए जस्ट यहां क्लिप लगा दी ताकि वो मिक्स ना हो। नाउ ये जो आपने सेक्शन लिया है वी सेक्शन आपका। नाउ इसमें माइनर माइनर बैक कॉम जस्ट ऐसे लीव हम दो ही सेक्शन में से बैक कॉम कर लेंगे जस्ट लीव। नाउ दोनों सेक्शन को आपको लेना है। अब इसे स्प्रेड करना है अच्छे से क्लीन करने के बाद में। सेक्शन को आपने जस्ट ऐसे होल्ड करा ऊपर की तरफ आप इसे ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं और नीचे की तरफ जस्ट आप इसे ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं अप एंड डाउन एंड इसमें आप लाइन बना सकते हैं। एक ऑप्शन ये है आप एक ऑप्शन ये है आपका। नाउ सेकेंड ऑप्शन क्या अगर आप ऐसे हाथ में होल्ड करके जस्ट इसे स्प्रेड नहीं कर सकते हैं सो आपको जस्ट इसे कॉम करना है जस्ट क्लीन जस्ट ऐसे इसे नैरो होल्ड करा दो पार्टी सी देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पे वी पॉइंट हो गया। नाउ उस वी पॉइंट को एक यूपिन लगा देंगे सिर्फ होल्डिंग के लिए। नाउ उसे ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे स्प्रेड करना है आपको सी और नीचे की तरफ जस्ट आपको ऐसे ऐसे स्प्रेड करना है जस्ट ऐसे ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाए चलेगा जस्ट ऐसे जस्ट ऊपर की तरफ। अब आप बोलेंगे कि ये उठ रहा है तो उसके लिए जस्ट डाउनवर्ड ऐसे हम यूपिन लगा लेंगे सी ऐसे बट लाइन को पहले पुल कर लेंगे आप ऐसे ऐसे जस्ट ऐसे। एक तरीका आपका ये है कि आप ऐसे कर सकते हैं आपको जो इजी लगे आप उस वे से बना सकते हैं। नाउ हमने सेक्शन को जस्ट अगेन कॉम करा
जस्ट ऐसे हमने होल्ड करा सेक्शन को, इस वाले को जस्ट ऊपर की तरफ, इस वाले को जस्ट नीचे की तरफ, जस्ट ऐसे ऐसे, जस्ट ऐसे, जस्ट ऐसे ऐसे आप स्प्रेड करेंगे मालों को, आपको जितना फॉल चाहिए उतना स्प्रेड कर लेंगे। नाउ इधर साइड पॉइंट पे जस्ट ऐसे एक यू पिन सेक्शन को होल्ड करने के लिए। नाउ इसमें हल्की हल्की लाइनें आप पुल कर सकते हैं, जस्ट ऐसे हल्का हल्का स्प्रे। नाउ इनमें यू पिन लगा लिया ताकि आपकी स्टेबल रहे। टोटल आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, जस्ट ऐसे। नाउ अब जस्ट इन्हें हल्का हल्का स्प्रे कर ले। जैसे ही आपको स्प्रे हो जाए आपको रेस्ट ऑफ फिर को बहुत जेंटली होल्ड करना है, देन कॉम। अब इसकी लॉकिंग कहाँ करेंगे आप, ये आपके लिए सवाल है। सो जस्ट इस पॉइंट पे आएंगे आप ऐसे नीचे की तरफ, सी जस्ट इसको हमने ऐसे हल्का सा जस्ट ट्विस्ट करा नीचे की तरफ, ऊपर वाले हेयर को नहीं लॉक करना है आपको, पॉप पिन लिया आपने जस्ट ओपन, डाउन हेयर में गए एक बॉपिन जस्ट ऐसे, अगेन एक बॉपिन सेम इस साइड से भी जस्ट ऐसे। जैसी आपकी बॉपिन लग जाए देन उनके ऊपर स्प्रे कर लिया। नाउ एक बार और स्प्रे कर लेने सब पे। नाउ इन रेस्ट ऑफ यू पिन को आराम से इजीली हटा दे, इसको जैसे हटाएंगे सेक्शन आपका थोड़ा वाइडर होगा बिकॉज इसने होल्ड कर रखा है, आराम से जस्ट इसे अपर डाय। अब आपको आ जाना नीचे वाले सेक्शन पे, नीचे से आपको सेक्शन लेने बट अभी आपकी यूपिन उनमें लगी है तो यहाँ की यूपिन आप हटा लें, इन्हें आप बाद में लगा लीजिएगा। और हमने जस्ट यहाँ भी एक ऐसे ही फॉरवर्ड सेक्शन लिया। नाउ तो उसको हमने अच्छे से कॉम करा, कॉम करा जस्ट उसको स्प्रेड करा, जितना सूट करेगा। नाउ ऐसे जस्ट उसको उधर ऐसे फोल्ड करा, चेक कर लिया आप ऐसे भी स्प्रेड कर सकते हैं कि इस पे कितना ठीक लग रहा है। नाउ एक उस कॉर्नर पे दो तीन, नाउ ऐसे आप तीन लाइन बनाएंगे स्प्रे। स्प्रे जैसी आपका हो जाए आप एक यूपिन की मदद से जस्ट इसको यहां पे भी टेम्परेरी ऐसे जस्ट होल्ड कर दे। ना हमने दो पार्ट करे थे, होप सो आपको रिमेम्बर हो, तो हमने पीछे वाले पार्ट में से क्लिप हटाया। नाउ इससे भी सेक्शन लेने हैं तो ये यूपिन यहां भी दिक्कत देगी तो इनको हमने जस्ट अभी रिमूव करा अभी के लिए। नाउ इसमें से भी सेम पार्ट लेंगे हम, डिवाइड करेंगे, पफ के हेयर मत ले लीजिएगा आप। नाउ इतना पार्ट हमें चाहिए, रेस्ट ऑफ हेयर जो है आपका आप उसे यहां से क्लिप करके ही रखिए नहीं तो वो आपका मिक्स हो जाएगा। नाउ ये वाला पार्ट है जिसको अभी हम ऊपर से बनाने वाले हैं। नाउ इस वाले हेयर को लिया हमने जस्ट जस्ट इसको कॉम करा, कॉम करा, कॉम करा, जस्ट ऐसे ये सी शेप पे आ गया आपका, जस्ट इसे ऐसे स्प्रेड करा दें, वन टू जस्ट एंड पॉइंट पे थ्री, जस्ट ऐसे हमने इसमें थ्री लाइन बनाई। प्रे
स्टिफ, जस्ट ऐसे। नाउ जैसे ही आपका ये हो जाए, नाउ उसमें सब यूपिन हटाएं, दोनों सेक्शन को एक साथ हैंड पे जस्ट होल्ड करें, इसको जस्ट ऐसे ट्विस्ट कर दे हल्का सा इधर की तरफ, जस्ट ऐसे शेप को मेंटेन करें आप, आपको शेप कैसे चाहिए। नाउ उसको लॉक कर ले। लॉकिंग से पहले आप चाहे तो उनको जस्ट ऐसे एडजस्ट कर सकते हो उनके शेप को, किसकी मदद से? यू पिन की मदद से, जस्ट ऐसे। एक यू पिन यहां डिफाइन करेंगे आप, एक यू पिन यहां, एक यू पिन इसमें। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लॉकिंग के टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट रहे, जस्ट ऐसे। नाउ जस्ट इस पॉइंट पे एक यू पिन सी। नाउ इसकी लॉकिंग आप कहां करें? सेम पॉइंट, जस्ट इसी सेक्शन को लिया आपने, नीचे से और कोई सेक्शन मत ले लेना, जस्ट इसको हल्का सा ऐसे ट्विस्ट करा ऐसे सी। जैसे ये ट्विस्ट हुआ, आपने बॉब पिन को ओपन करा, नीचे वाले हेयर के जस्ट सपोर्ट मिल गए, जस्ट ऐसे। एक बॉब पिन इस साइड से लगाई आपने, एक बॉब पिन आप इस साइड से लगा लेंगे आराम से। नाउ स्प्रे और यू पिन को रिमूव। अब आप चाहे तो अपने ऊपर की मेंटेनिंग के लिए भी, जैसे जैसे हमने यू पिन रखी थी आप उसे वैसे भी रख सकते हैं, ताकि आपको आपके जो शेप जो है वो विजिबल होते रहे ऐसे सी। ये दो सेक्शन हो गए हमारे। नाउ ये थर्ड वन, जस्ट कॉम नीचे आए, जस्ट जस्ट इसे हल्का सा स्प्रेड करा एमनेस्टी पॉइंट पे, होल्ड करा, जस्ट होल्ड अप। तो टेक्निक हमने आपको बता रखी है, जस्ट 1 2 3, जस्ट आपको इस पे ऐसे थ्री सेक्शन ले लेना है, जस्ट ऐसे स्प्रे, जस्ट ऐसे। यहां तो आपका बेस है तो इजीली आप इस पे कैसे पिन को जस्ट होल्ड कर देंगे सी। नाउ सेम जो लास्ट ईयर आपका उधर था, आपने जस्ट उसको भी लिया, अब वो थोड़ा सा इसमें वहां पे लॉकिंग है, तुम जस्ट वहां से यू पिन को भी रिमूव कर रहे हैं ताकि वो हेयर हमारा फ्री फ्लो हो जाए। नाउ हमने जस्ट इसको कॉम करा, सेम यही है, जस्ट हल्का सा स्प्रेड, 1 2 3। नाउ 1 2 3, जस्ट क्लीन, जस्ट ऐसे। नाउ दोनों सेक्शन को आपने लिया, होल्ड करा अपने हाथों में, जस्ट ऐसे जस्ट ऐसे। नाउ 1 जस्ट 2, इधर से भी एक और लाइन को आपने जस्ट सेपरेट करा, जस्ट इधर भी एक और यूपी। नाउ हमने जस्ट यहाँ पे से होल्ड कर लिया बाय यूपी, जस्ट ऐसे ही हम जस्ट आ गए थ्री सेक्शन के साथ में। अब आप चाहे तो यहाँ पे जस्ट इस यूपी को इनसाइड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका बेस लगा हुआ है, हम जस्ट ऐसे यूपिन को हमने इनसाइड कर दिया बेस के सपोर्ट में। नाउ जैसे ही आपका सेक्शन यहाँ पे लॉक हो जाएगा यूपिन की मदद से, नाउ अब आप पग बनाएंगे। फ्रंट आपका हो चुका है, सो पग कैसे बनाएंगे आप? पग हल्का आपका इस पॉइंट पे आएगा, जस्ट ऐसे। सो इसमें हल्की हल्की बैक फॉर्मिंग कर रहे हैं, यहां थोड़ा संभल के करिएगा बैक।
नाउ आपने सेक्शन को लिया जस्ट अब जस्ट रोड पे बैक फॉर्म केवल जस्ट लीव मिक्स ना हो वो इस चीज का ध्यान रखें. अगेन वन मोर सेक्शन जस्ट ऐसे इन पिन को हटा लिया जस्ट आगे की तरफ. नाउ इस सेक्शन में भी आप हल्का हल्का बैक ऑन कर लेंगे प्रे. नाउ लीव. नाउ ये आपका लास्ट सेक्शन है. आराम से आ गया आपका फरन बैक जस्ट ऐसे. नाउ लीव दैट. नाउ पूरे सेक्शन को आपको लेना एक साथ अपने हैंड में. नाउ जैसे हमने आपको बताया है इट इज ऑलवेज करके आपको क्लीन कैसे करना है. नाउ यहां पर क्लीन करेंगे. नाउ क्लीन थोड़ा सा डायगोनल आ रहे हैं हम इसमें कनेक्ट करते हुए इस पॉइंट पे जस्ट ऐसे. एक वुडन स्टिक लिया आपने जस्ट उसे ऐसे बेस के सपोर्ट में जस्ट ऐसे आप लगा लेंगे. सी हमने कहा बेस के सपोर्ट में वुडन स्टिक लगा रखी है. नाउ इनमें जस्ट अब लाइन बना लेंगे कि इसको लाइन कहां से चाहिए. नाउ ऐसे प्लान बना लेंगे बट अभी हमने इसमें स्प्रे नहीं करा तो हमारा मोटिव क्या है हम इसमें क्यों लाइन बना रहे हैं. सी आप देख सकते हैं कि इस साइड दिख रहा है आपको सेक्शन उठा हुआ बट उस साइड थोड़ी सी कवरेज चाहिए इसलिए हम उसमें लाइन बना रहे हैं तो उतनी हाइट आप उसे फ्रंट से भी देंगे. तो हम जस्ट इसे थोड़ा सा और पुल कर रहे हैं ऐसे जस्ट ऐसा स्प्रे जस्ट होल्ड जस्ट इसे लाइन को हल्का सा उठाया जस्ट स्प्रे हल्का सा स्प्रे जस्ट ऐसे जस्ट हल्का से जाओ जस्ट स्प्रे जस्ट इस सेक्शन को भी हल्का सा पुल करेंगे ऊपर की तरफ जस्ट स्प्रे. सेम इस सेक्शन को भी जस्ट स्प्रे. नाउ अब आप बैक पे आ जाएंगे जस्ट बैक में आपको ऐसे ऐसे लाइनों को एंड पॉइंट तक जस्ट उसको पुल कर लेना ऐसे जस्ट ऐसे. नाउ हल्का हल्का स्प्रे जस्ट ऐसे क्लीन जस्ट ऐसे क्लीन जस्ट ऐसे. नाउ इधर वाले को भी क्लीन करा. नाउ इस साइड वाले को भी क्लीन करा. नाउ इसे लॉक कैसे करना है आपको जस्ट आपको ऐसे दो रबर बैंड और यू पिन लेनी है. आपने नीचे बेस लगा रखा है जस्ट उसके सपोर्ट में आए जस्ट इंसर्ट जस्ट ऐसे. अपनी लाइनों को आप जस्ट क्लीन कर लें ऐसे ऐसे. नाउ अब आप इस साइड पे आ गए जस्ट अपने जस्ट एक फेस फ्रेमिंग हमने जस्ट फ्रंट पे छोड़ दिया जस्ट हम इधर आए सेक्शन को लेके. इसमें सब देखो हम जस्ट फ्लैप अप टेक्निक का यूज कर रहे हैं. हमने जस्ट इतने हेयर लिए. आप चाहें तो आप इनके अंदर भी हल्का हल्का जस्ट ऐसे बैक कॉम कर सकते हैं हल्का सा बैक कॉम रूट में हल्का सा स्प्रे जस्ट क्लीन जस्ट बैक में आए जस्ट इसको यहीं पे हमने जस्ट ऐसे टर्न करा ऐसे वन टू थ्री जस्ट फोर
चार लाइनें जस्ट हमने इसमें ऐसे बनाई, हल्का हल्का जस्ट स्प्रे, जस्ट ड्रॉबैक, जस्ट एक यू पिन, जैसे हैंड हमारा जा रहा है। नाउ आप इसे लॉक कैसे करना है, जैसे आपने यू पिन लगाई है आगे की तरफ जस्ट फॉरवर्ड सेक्शन में, जस्ट ऐसे आप आएंगे, बॉब पिन लिया आपने जस्ट फॉरवर्ड सेक्शन में और यू पिन को आपने जस्ट रिमूव कर लिया। नाउ हल्का हल्का स्प्रेस के ऊपर, नाउ जस्ट आपने वाला सेक्शन लिया, हल्का हल्का यहाँ भी बैक कॉम स्प्रे, जस्ट ऐसे कॉम, सेम इसी पॉइंट पे आए, उस वाली पिन को जस्ट हमने कवर करा एक यू पिन, सेम इधर आए, जस्ट ऐसे 1, 2, 3 नाउ स्प्रे, इसको भी जस्ट नाउ जैसे आपका स्प्रे हो जाए, आप चाहे तो वहाँ पे यू पिन भी रख सकते हैं बिकॉज आपका वहाँ पे बेस है, तो हम जस्ट उसी के सपोर्ट में जस्ट यहाँ पे उसको इनसाइड लॉक कर ले रहे हैं। नाउ अब आपका ये वाला सेक्शन जस्ट इसे ऐसे कवर करेगा, बट उसको कवर करने से पहले हम जस्ट इसमें यहाँ पे देख लेंगे बन के सेक्शनिंग को। नाउ आप इधर आए, अभी हमने सेक्शन को यहीं पे छोड़ दिया, उसमें एक सेक्शन बचा है। नाउ ये वाले सेक्शन अब हम नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ आपका जो बेस है उसे आप कैसे कवर करेंगे। हमने जस्ट इसमें से एक सेक्शन लिया, एक ऐसे वर्टिकल सेक्शन है, जस्ट कॉम इनसाइड, जस्ट बैक कॉम, जस्ट इसको कॉम करा, जस्ट नीचे आए, जस्ट इसको यहीं पे ऐसे 1, 2 इनसाइड 3 ऐसे स्प्रे करा आपने, वो अपनी जगह पे ही रहे, नीचे से बेस आपका कवर रहे, तो जस्ट उसमें यू पिन, जस्ट ऐसे कवरेज देता हुआ और जस्ट इन वाले हेयर के नीचे से इसको निकालते हुए सेक्शन को हमने पीछे छोड़ दिया। ये वाला सेक्शन लिया आपने, अब इसको यहाँ पे कवरेज देना है आपको, इसकी कवरेज आप जस्ट कैसे देंगे, जस्ट इसमें से आप एक सेक्शन लेंगे, आप इसमें जस्ट ऐसे सेक्शन ले लें, जस्ट उसे हल्का हल्का बैक कॉम, जस्ट ऐसे कॉम क्लीन, एक यू पिन ले आप, जस्ट उसको इधर रखे, जैसे आप नॉट बनाते हैं जस्ट इनसाइड ऐसे, सी 1 लाइन ऑप्शनल है, आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं ऐसे, जस्ट अब ये वाला सेक्शन ले आप और इससे देखिए आपको फोल्ड अप कहां बनाना है। अब हम इनको चारों डायरेक्शन बना रहे हैं, एक फोल्ड आपने ऐसे करा तो एक फोल्ड आप जस्ट ऐसे करेंगे यहां पे, तो आप जस्ट इस वाले हेयर पे आए, इसको जस्ट बैक कॉम करा आपने, आराम से लॉकिंग का हेयर आपका, जस्ट इसे क्लीन करा, आप उनमें बॉब पिन भी लगा सकते हैं, जस्ट इधर आए अपने इधर आ जाएं आप, जैसे हमने आपको बताया, जस्ट इसको ऐसे जस्ट एक नॉट बनाई, जस्ट इस वाले पॉइंट पे आए, जस्ट ऐसे इंसर्ट, जस्ट ऐसे 1, 2, 3, 4 जस्ट ऐसे। नाउ उस साइड वाला सेक्शन से पहले आप कवर कर लेंगे। नाउ हमने जस्ट इसे ओपन करा, इधर आए हम, उसमें से थोड़ा सा हेयर छोड़ दे रहे हैं ऐसे, बाकी रेस्ट ऑफ हेयर को हमने जस्ट ऐसे कॉम करा, जस्ट इधर की तरफ आए,
ठीक ऐसे ही जस्ट हमने कि वहाँ पे यू पिन को रखा होल्ड करके उस कवरेज पे। नाउ वन टू थ्री, जस्ट ऐसे आपने इसमें थ्री तीन लाइनें बना दी। जिस डायरेक्शन में हेयर जा रहे डायरेक्शन में स्प्रे करें। नाउ सेम यहाँ पे यू पिन से हम जस्ट उसे ऐसे लॉक कर ले रहे हैं। नाउ जस्ट हमने ये वाला हेयर लिया, इसमें यू पिन ही लगी है, ध्यान दे आप, जस्ट इसे हल्का हल्का हमने ऐसे कॉम करा, जस्ट क्लीन, एक जस्ट हमने यू पिन ली जस्ट ऐसे, जस्ट हल्का सा ऐसे टर्न, जस्ट इंसर्ट। नाउ एक इस डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में नाउ इसको भी जस्ट आपने ऐसे स्प्रे कर लिया, तीन सेक्शन हो गया मदर फोल्ड। नाउ ये वाला सेक्शन लिया हमने, जस्ट इसको हमने कॉम करा ऐसे। नाउ इस वाले सेक्शन को जस्ट ऐसे इधर की तरफ जस्ट हम बना लेंगे, तो इसमें जस्ट हमने ऐसे हल्का हल्का बैक कॉम करा। नाउ क्लीन करा, जस्ट इधर आए, इसे हम यू पिन से बना रहे हैं, तो आपके लिए फोल्ड करना इजी है। आप चाहे तो इन्हें पहले से जो है कर्ल्स करके भी रख सकते हैं। सेम इस वाले पॉइंट पे जस्ट इसको ऐसे क्लीन करा। नाउ इसमें पुलिंग कर ली लाइनों को। नाउ हल्का हल्का स्प्रे, ये सब अलग अलग डायरेक्शन में बना रहे हैं हम, एक डायरेक्शन में नहीं बना रहे हैं हमने, इसलिए बेस को यहाँ पे छोटा बना रखा है। आप चाहे तो बेस बड़ा लगा सकते हैं, पर बेस बड़ा बनाएंगे तब आपका ये भी बड़ा बनेगा। नाउ अब एक सेक्शन हमारा जस्ट इस पॉइंट पे आएगा, तो हमने जस्ट नीचे से सेक्शन लिया, जस्ट इसको बैक कॉम अच्छे से। नाउ क्लीन, हमने ऐसे यू पिन ली, ये यू पिन बेस में लग रही है, तो आप ये ना सोचे कि ये बाद में निकल जाएगी, जस्ट ऐसे, जस्ट इसमें से वन टू थ्री। जस्ट ऐसे, तो ये सेक्शन जस्ट हमारे यहाँ पे लॉक हो गया। नाउ अब हम इस वाले सेक्शन को लेकर जस्ट यहाँ पे फोल्ड कर रहे हैं, तो हम सारे हेयर को जस्ट ऐसे देखते हैं कि किसको किस डायरेक्शन में जस्ट हमको ऐसे फोल्ड करना है, जस्ट हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। आपका सेम ऐसा नहीं बनेगा, ये सबके हेयर पे अलग अलग कंडीशन आएगी, इसलिए हमको देखना है कि कौन सा हेयर किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें जस्ट उधर उसे ऐसे फोल्ड करना है और इस नॉट बन को जस्ट हम यहाँ पे बना लेना है। तो सब जस्ट हम इसे ऐसे कंप्लीट करके आपको इसके फाइनल लुक पे मिलते हैं और बताते हैं कि आपको रेस्ट ऑफ हेयर को कैसे नीचे लॉक करना है। तो ओके गाइस, हमने जस्ट यहाँ पे जो बन को है वो कंप्लीट कर लिया है, जस्ट नॉट सेटिंग अलग अलग डायरेक्शन में करके। हमारे पास ये रेस्ट ऑफ हेयर रह गए हैं, इनको हम डाउन साइड लॉक कर लेंगे, बट ऐसे सिंगल सिंगल हम लॉक करेंगे तो इसमें हमारी पिन ज़्यादा लगेगी, प्लस टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सो देन हम जस्ट इसको एक ऐसे सिंपल ब्रेड में कन्वर्ट कर लेंगे। इस वाले पॉइंट पे हल्का हल्का बैक कॉम, जस्ट बैक कॉम ऐसे, जस्ट लॉक पिंस ले रहे हैं हम, जस्ट ऐसे गए, इसको जस्ट ऐसे हाइड करा, नीचे बहुत स्पेस है, ऐसे गए नीचे, जस्ट वन, ये पिन एक साइड लॉक होती है तो ये जल्दी से निकलती नहीं है आपकी, जस्ट टू, जस्ट उस वाली ब्रेड को भी जस्ट ऐसे लिया, जस्ट इस पॉइंट पे आए, जस्ट थ्री, जस्ट इधर भी आए, जस्ट फोर। नाउ
फोर फोल्ड पिन ली, नीचे आपका बहुत स्पेस है, जस्ट ऐसे। तो जस्ट हम ऐसे लेंगे, जस्ट इसको ऐसे एक यू पिन जस्ट ऐसे से रोल, और इसको हल्का सा डायगोनल, ऐसे वर्टिकल मत लगा देना आप लोग, नहीं तो बाहर आ जाएगी। जस्ट ऐसे नीचे से क्लीन सी। नाउ अब जस्ट हम इन वाले पिन्स को रिमूव कर लेते हैं और उस एक साइड के सेक्शन को हम जस्ट कर्ल्स करके आपको इसका फाइनल लुक शो करते हैं। तो ओके गाइस, हमने साइड के जो सेक्शन को हमने कर्ल्स कर लिया है और आप देख सकते हैं पूरी स्टाइलिंग। ये आपका जो साइड का सेक्शन है, ये आपने जस्ट स्प्रेडिंग के साथ इस एलिमेंट को तैयार करा, ये आपका बहुत सुंदर लगता है। ये डिपेंड करता है कि आप इसे कितना स्प्रेड करते हैं, आपके क्लाइंट के ऊपर कितना जाता है। एंड देन पीछे हमने जस्ट यहाँ पे फोल्डअप टेक्निक कर ली है। आप यहाँ पे और कोई भी बना सकते हैं, आप जस्ट यहाँ पे पिकॉक बना सकते हैं, यहाँ पे रोजबड बना सकते हैं। ये जस्ट आपका पफ हो गया और ये आपकी जस्ट साइड की फोल्डअप टेक्निक हो गई। इसमें आपकी जो सारी पिंस है वो कवर हो जाती है। अगर आपको वहाँ पे यू पिन सेफ नहीं लगती है तो आप जस्ट उस सेक्शन पर वहाँ पे बॉब पिन लगा सकते हैं। तो गाइस, ये स्टाइलिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली हेयर स्टाइलिंग।